जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने तीनों मैच लगातार जीत चुकी है और अब बारी है T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच की, जिसके लिए हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां गाइज, हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के अपने तीनों मैच लगातार जीतने के तुरंत बाद अब T20 वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले में कनाडा को बुरी तरह से कुचलने के लिए अपने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और अपने प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए ओपनर से लेकर मिडिल आर्डर तक के खिलाड़ियों को बदल डाले हैं और इस बदलाव को करने के बाद अपने नए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो कि मैदान में आते ही ताबकतोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए अपने खुखार खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के अपने चौथे मुकाबले में कनाडा की टीम को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे और T20 वर्ल्ड कप में अपनी चौथी जीत लगातार हासिल कर लेंगे। बता दे गाइज कि हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में जिन जिन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, वे सभी खिलाड़ी कनाडा की टीम के पर खच्चे उड़ा कर रख देंगे। तो आखिर गाइज, हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के अपने चौथे मुकाबले में कनाडा को बुरी तरह से कुचलने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो क्या रहने वाली है हमारे भारतीय टीम की कनाडा के खिलाफ खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आप सभी को पूरी खबर और साथ में यह भी बताएंगे कि भारत और कनाडा के बीच T20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला कब और किस मैदान पर खेला जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी कि नहीं, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलना, जिससे कि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बता देता हूँ कि भारत और कनाडा के बीच T20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला 15 जून को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में खेला जाएगा और आप सभी लोग इस मैच को भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग बैटल की बात करें तो ओपनिंग बैटल में हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए विराट कोहली की जगह यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, क्योंकि गाइज पिछले 3 मैचों में विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी जगह ओपनिंग बैटल में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है और इस चौथे T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले 3 मैचों में खतरनाक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के लिए एक अच्छा रन बनाया, जिससे हमारी भारतीय टीम जीत सकी, इसलिए नंबर 3 पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर खतरनाक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी की थी और नाबाद रहते हुए 50 रन बनाए थे और भारतीय टीम को मैच में जीत दिलाए थे, इसलिए नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी की थी और नाबाद रहते हुए भारतीय टीम को मैच में जीत दिलाई थी, इसलिए नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 6 पर भारतीय खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ जबरदस्त गेंदबाजी भी कर रहे हैं और विकेट पे विकेट चटका रहे हैं, इसलिए नंबर 6 पर खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, फिर नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बल्ले के साथ साथ खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और हर मैच में भारतीय टीम को विकेट चटका कर दे रहे हैं, इसलिए नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 9, 10 और नंबर 11 पर भारतीय तेज खतरनाक गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो गाइस, ये रही हमारे भारतीय टीम की कनाडा के खिलाफ खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11।